प्रिय बच्चों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम किसी भी चालक को हम आवेश देते हैं तो वह चालक कितना आवेश ले पा सकता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति भोजन खाने बैठा है तो कितना भोजन ग्रहण करेगा, उसी प्रकार जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो वह चालक कितना आवेश लेगा, यह एक भौतिक राशि के द्वारा निर्धारित होता है और वह भौतिक राशि होती है चालक की धारिता। इस अध्याय में हम चालक की धारिता के बारे में, गोलाकार चालक की धारिता में और किसी चालक की धारिता किन किन कारणों से प्रभावित हो सकती है, किसी चालक की धारिता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चालक की धारिता, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। जिस प्रकार किसी बर्तन में द्रव डालने पर उसका तल बढ़ने लगता है, ठीक उसी प्रकार किसी चालक को आवेश देने पर उसका विभव बढ़ने लगता है। यदि किसी चालक को Q आवेश देने से उसके विभव में V की वृद्धि हो तो Q समानुपाती V, Q बराबर C गुणित V या C बराबर Q बटे V। यहाँ C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। यदि V बराबर 1 वोल्ट हो तो C बराबर Q। अतः किसी चालक की धारिता उस चालक को दिए गए उस आवेश के मान के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे। धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड व सीजीएस मात्रक स्थित फैराड है। हमने पढ़ा धारिता C बराबर Q बटे V, धारिता का मात्रक फैराड 1 फैराड बराबर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। ये फैराड एमकेएस मात्रक है। अब इसका संबंध हम सीजीएस मात्रक से निकालना चाहते हैं तो ये 1 फैराड, अब 1 कूलाम को हम स्थित कूलाम में बदलेंगे तो आप सभी जानते हैं 1 कूलाम बराबर 3 गुणित 10 की घात 9 स्थित कूलाम। इसी प्रकार वोल्ट और स्थित वोल्ट में आप संबंध देख चुके हैं, 1 वोल्ट बराबर 1 बटे 300 स्थित वोल्ट हुआ। इस तरह 1 फैराड बराबर 3 गुणित 10 की घात 9 गुणित 300 स्थित फैराड। इस प्रकार 1 फैराड बराबर 3 × 9 रुजा का 10 की घात 9 धन 2 बराबर 9 गुणित 10 की घात 11 स्थित फैराड। तो आप ये देख रहे हैं धारिता के एमकेएस और सीजीएस मात्रक में संबंध। इसी प्रकार आइए हम देखते हैं धारिता का अभिमेय सूत्र, सी का अभिमेय सूत्र बराबर क्यू बटे वी का अभिमेय सूत्र। तो Q का अभिमेय सूत्र, तो V का अभिमेय सूत्र कैसे निकलेगा, W का अभिमेय सूत्र बटे Q का अभिमेय सूत्र या Q गुणित Q बटे W। तो हो जाएगा Q का स्क्वायर बटे W कार्य का अभिमेय सूत्र। तो आप सभी जानते हैं आवेश का अभिमेय सूत्र A इंटू T की घात 2, कार्य का अभिमेय सूत्र आप पढ़ चुके हैं m^(1), l^(2), t^(-2), a^(2), t^(2), m^(1), l^(2), t। तो इस प्रकार से सी का विमीय सूत्र, अभी हम धारिता का विमीय सूत्र निकाल रहे थे, सी का विमीय सूत्र निकाल रहे थे। तो सी का विमीय सूत्र हो जाएगा m^(-1), l^(-2), t^(2+2), a^(2)। तो आपका हो जाएगा धारिता का विमीय सूत्र m^(-1), l^(-2), t^(4), a^(2)। ये था धारिता का विमीय सूत्र। तो धारिता के SI मात्रक और CGS मात्रक में संबंध, और ये था धारिता का विमीय सूत्र। फैराड धारिता का बड़ा मात्रक है, अतः व्यवहार में माइक्रोफैराड न्यू एफ व पीको फैराड माइक्रो माइक्रोफैराड PF या न्यू म्यू एफ का प्रयोग में लाते हैं। 1 माइक्रोफैराड बराबर 10 की घात 6 फैराड तथा 1
फैराड बराबर 10^12 फैराड। आइए हम देखते हैं अब धारिता का भौतिक अर्थ। किसी चालक की विद्युत धारिता उसके अंदर विद्युत आवेश को एकत्र करने की क्षमता है, किंतु एक निश्चित सीमा से अधिक आवेश देने पर चारों ओर के माध्यम में विद्युत का विसर्जन होने लगता है। वायु की परावैद्युत शक्ति 3×10^6 वोल्ट प्रति मीटर है, अर्थात यदि किसी चालक को इतना आवेश दे दिया जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3×10^6 वोल्ट प्रति मीटर से अधिक हो जाए तो वायु में विद्युत का विसर्जन होने लगता है। गोलाकार चालक की विद्युत धारिता कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। माना कि आर त्रिज्या का एक गोलाकार चालक है जिसे स्मॉल क्यू आवेश दिया जाता है। यह आवेश संलग्न चित्रानुसार उसके बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, जिससे चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ बन जाएगा और बल रेखाएं उसके केंद्र O से आती हुई प्रतीत होंगी। फलस्वरूप यह गोलाकार चालक इस तरह से व्यवहार करेगा जैसे कि संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर स्थित है। हम गोलाकार चालक के सतह पर विभव का सूत्र पढ़ चुके हैं। गोलाकार चालक के सतह पर विभव V बराबर 1/4π ε0, आवेश उस पर है Q और उसकी त्रिज्या है स्मॉल r, ती आपका हो गया। अब हमारे को गोलाकार चालक की धारिता चाहिए। गोलाकार चालक की धारिता C बराबर Q/V, यह हमारा V का मान था समीकरण नंबर 1, यह हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से मान रखने पर तो आपका हो जाएगा C बराबर क्यू, V का मान रख दीजिए 1/4π ε0 Q/R। Q को Q से डिवाइड कर देंगे तो C इक्वल टू आपका आ जाएगा 4π ε0 × R। तो ये जो धारिता का मात्रक है MKS पद्धति में, अतः इसका मात्रक होगा फैराड। यदि CGS में चाहिए तो इसको अपन 1/4π ε0 से डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा C इक्वल टू R। तब गोलाकार चालक की धारिता उसके त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो जितने ज़्यादा त्रिज्या का गोला होता है उसकी धारिता उतनी ही अधिक होती है। अतः MKS या SI पद्धति में गोलाकार चालक की धारिता उसके त्रिज्या की 4π ε0 गुना होती है, किंतु CGS पद्धति में गोलाकार चालक की धारिता C बराबर R। अतः CGS पद्धति में गोलाकार चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के तुल्य होगी, तथा जितने ज़्यादा त्रिज्या का गोला होगा उसकी उतनी ही अधिक धारिता होगी। यदि गोलाकार चालक के चारों ओर वायु के बदले के माध्यम का परावैद्युत तांक होता तो C बराबर 4π ε0 K×R, जहाँ K माध्यम का पारविद्युतांक और R गोलाकार चालक की त्रिज्या है। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग दी कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। किसी भी चालक की धारिता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर है। पहला, चालक के क्षेत्रफल पर। किसी चालक का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होता है उसका विभव उतना ही कम होगा और सूत्र C बराबर Q/V के अनुसार उसकी उतनी ही अधिक धारिता होगी, अर्थात मोटे चालकों की धारिता अधिक होगी। आवेशित चालक के समीप अन्य चालक लाने पर, आवेशित चालक के जितना समीप में
अन्य चालक लाया जाता है तो आवेशित चालक का विभव उतना ही कम हो जाता है तथा उसकी धारिता बढ़ जाती है। चालक के चारों ओर के माध्यम पर यदि किसी चालक की वायु में धारिता C है तो उसके चारों ओर के पारितांक वाला माध्यम रखें तो धारिता वायु के धारिता की K गुनी हो जाएगी, अर्थात धारिता माध्यम में C माध्यम बराबर K गुणित धारिता वायु में C वायु, जहां K माध्यम का पारितांक है।